रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, कल जो बताया तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ आपको। मैंने आपको कल सीएसआर का मतलब बताया था, सीएसआर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब एक कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर मतलब हर वो पर्सन जो बिजनेस से जुड़ा है, उनको रिस्पॉन्सिबल मैनर में ट्रीट करती है, तो इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि एथिकल या रिस्पॉन्सिबल मैनर का मतलब होता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब क्या, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से प्रॉपरली उनके डिमांड्स को मीट करना या उनको सर्व करना, साधारण भाषा में बोला जाए तो सबकी सेवा करना ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इसको लेकर कंपनीज एक्ट में जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो है सेक्शन 135। सेक्शन 135 जो, बैकग्राउंड म्यूट कर दो बेटा जिसमें आवाज आ रही है, जिसकी भी बैकग्राउंड म्यूट कर दो एक बार, है ना। सेक्शन 135 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो सीएसआर की बात करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक, जिसकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, नेटवर्थ मतलब होता है आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, या फिर और बोल रहा है एंड नहीं है ना, और है, या फिर टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, मतलब सेल्स 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, या फिर जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ के ऊपर है, तीन में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करोगे तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% जो होगा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए निकालना है, ठीक है। अब जब बात की जाती है कि किन कंपनियों की बात की जा रही है, तो चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी मतलब जो कंट्रोल करती है, या फिर सब्सिडरी कंपनी हो, या फिर कोई फॉरेन कंपनी हो जिनका ब्रांच या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है, अगर वो ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो उन पर भी ये जो सीएसआर का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से इस साल इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ का हुआ, तो कहीं ना कहीं यार आप देखोगे तो 50 करोड़ मतलब इस स्लैब में आ ही गई, 5 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में इनको भी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट लगाना पड़ेगा, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट किस पे लगाना पड़ेगा, दो सीएसआर के लिए परसेंट लगाना पड़ेगा। आप बताओ ये बात कितनी समझ आई आप अभी तक, कितना पूरी समझ, सर। अच्छे से, कोई डाउट नहीं है बाकी लोगों को बेटा, कोई डाउट है क्या इसमें, क्लियर नहीं सर। है ये? अच्छा, अब आगे मैं हाँ बताता सर। हूँ, आपको ये समझ आ गया कि कहाँ एप्लीकेबिलिटी है। अब होता क्या है, आगे आप मेरी बात समझो, जैसे कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब क्या होता है, इनके पास पूरी कंपनी को मैनेज करने का काम है, पूरी कंपनी को चलाना है, ठीक बात है। अब कंपनी में ही एक एक्टिविटी है सीएसआर, अब अगर पूरा बोर्ड ईश्वरी पे फोकस देने लग गया तो फिर बाकी काम कौन मैनेज करेगा, सही बात है गलत बात है। सर। तो बोर्ड क्या करता है, अपने वर्क को डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट करना का मतलब ये होता है कि अपने काम को डिवाइड देता है, डिवाइड कर देता है और एक कमिटी बना देता है। क्या बना देता है, कमिटी। कमिटी इसे हम कहते हैं सीएसआर कमिटी। हर काम के लिए देखो अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्क के लिए सीएसआर कमिटी बनाई जाती है, और इस कमिटी को टास्क सौंप दिया जाता है कि तुम फॉर्मुलेट करो कि हमारे यहाँ सीएसआर कैसे किया जाएगा, आप इंप्लीमेंट करो सीएसआर पॉलिसी को, देखो कहाँ कहाँ पैसा लगाना है और मॉनिटर करो कि सही जगह पर पैसा लग रहा है कि नहीं। तो जिन कंपनियों पर सीएसआर का रूल एप्लीकेबल होता है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमिटी बनाते हैं जिसको सीएसआर कमिटी बोलते हैं, जिनका काम है सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना और ये मॉनिटर करना कि सही सही तरीके से पॉलिसी चल रही है कि नहीं, मतलब पैसा आपने निकाला है तो आप लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं, यस सर। यस सर। ये लोग को आ गई, कुछ हाँ पूछना सर। है, कुछ पूछना है इसमें, कितने लोग होते हैं कमिटी में? सारी चीज बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है, उनको सीएसआर कमिटी मैंने बताया, बता मतलब बनाना है ये आपको बताया। अब सेक्शन 135 ये बोलता है कि जब भी आप कमिटी बनाओगे तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक
ठीक है, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। आप बोलो कोई दिक्कत? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कंपनी के साथ कोई भी मनी रिलेशनशिप नहीं होता है। यह सिर्फ कंपनी को मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट किया जाता है कि कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कितना समझ में आई मेरी बात? अब सपोज करो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपकी कमिटी में दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। दोनों क्राइटेरिया समझ लो। नॉर्मली सीएसआर कमिटी में तीन डायरेक्टर होते हैं जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन अगर आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का क्राइटेरिया ही नहीं है तो फिर आपकी कमिटी में दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। आप बता दो कोई दिक्कत? No, sir. जैसे कि अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो आपके लिए रूल्स में रिलैक्सेशन है। आपकी अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपकी कमिटी में दो डायरेक्टर होंगे। आप बता दो कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से मैं लेफ्ट हो गया था, उसकी रिकॉर्डिंग सुन देना, अभी थोड़ी देर भेजूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे सुनो। अगर आपकी एक फॉरेन कंपनी है और उसका प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है तो उनको भी सीएसआर कमिटी बनानी है कि नहीं बनानी है, बताओ। तो इसमें ये माना जाता है कि फॉरेन कंपनी अगर अपनी कमिटी बना रही है तो उसमें कम से कम दो लोग होंगे जिनमें से एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है और दूसरा वो पर्सन होगा जिसको फॉरेन कंपनी नॉमिनेट कर देगी। ठीक है, पूरी बात एक बार रिपीट कर देते, ध्यान से सुनो। सेक्शन 135 बोलता है कि सीएसआर कमेटी में तीन डायरेक्टर होने चाहिए जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेक, ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना है तो फिर कितने होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा। ज्यादा। प्राइवेट कंपनी है तो कितने होने चाहिए? दो डायरेक्टर है ना। और अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसमें से कम एक क्या होना चाहिए? इतना अच्छे से समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ? समझ आ गया सर। मन में जीवन में कोई समस्या नहीं इसको लेकर? नो सर। अब ये जो बोल्ड लाइन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। सेक्शन रूल 3 ऑफ कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल 2014 स्पेसिफाइड दैट एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 एज पर लिमिट स्पेसिफाइड देयर अंडर फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 135 टिल सच टाइम दैट इट मीट्स द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। एग्जाम्पल के तौर पे 2015 में मेरा जो नेट प्रॉफिट था एनपी था वो 10 करोड़ था, तो आप मेरे को बताओ मेरे पास सीएसआर एप्लीकेबल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था ना सर। हो रहा था, क्यों हो रहा था बताओ? क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा है आपका नेट प्रॉफिट, 10 करोड़ है। मैंने क्या किया, सीएसआर कमेटी बना दी। क्या बना दी? सीएसआर कमेटी, क्योंकि मेरे पास सीएसआर का रूल एप्लीकेबल हो रहा था। अब आगे क्या हुआ, 2016 में, 2017 में, 2018 में, लगातार 3 साल मेरा प्रॉफिट जो है केवल 2 करोड़ रुपए रहा है। तो लॉ ये कहता है, रूल्स ये कहता है कि लगातार 3 साल तक अगर आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर पा रहे हो ना तो आप पर से रूल हट जाएंगे, फिर आपको ऐसी कमिटी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है और सीएसआर करने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये लगातार कितनी कंसेक्यूटिव ईयर होना चाहिए? कितना समझ आई मेरी बात? पूरा। ईमानदारी से हाँ हाँ मैं सारी बातों को बोल रहा हूँ। अगर मान और होता है ना, वो या तो नेटवर्थ या तो टर्नओवर या तो नेट प्रॉफिट, तो मैं बोलता हूँ मेरी तो गरीब कंपनी है, नेटवर्थ भी हमेशा कम ही रहा है, टर्नओवर भी कम रहा है, अभी प्रॉफिट के कारण मैं आ जाता था, है ना। मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ था तो सीएसआर के उसमें आ गया था मैं। अब पिछले 3 सालों से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अभी भी देना है क्या सीएसआर अपने को? नहीं। नो सर। कितना क्लियर है? सर तो 3 साल ही एप्लीकेबल है ना, 3 से कम हुआ तो देना पड़ेगा। आज जैसे 2 साल में तुम्हारा 2-2 करोड़ रहा, फिर 2018 में फिर 8 करोड़ कमा दिए तो सीएसआर लगी रहा है तुम पे। लगातार 3 साल तक आप क्राइटेरिया में फॉल ना करो तब आपको हटाया जाता है। ठीक है सर। कितना समझ में आया? पूरा। अच्छे से। अच्छा, सीएसआर कमेटी के फंक्शन तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिए अभी, है ना। सबसे पहला काम सीएसआर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। आप बताओ कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, अमाउंट रिकमेंड करना कि कितना खर्चा करना है सीएसआर में, इसमें कोई दिक्कत? नो सर।
मॉनिटर करना कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? नो सर। चौथा, मॉनिटर करना कि सीएसआर पॉलिसी को समय समय पर बदलने की जरूरत तो नहीं है। सीएसआर कमेटी के चार काम, सबसे पहले तो बोर्ड को फॉर्मुलेट करके बताना कि हम पैसा कहाँ लगाएंगे, दूसरा कितना खर्चा करेंगे, तीसरा चेक करना कि सही सही इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और टाइम टाइम पे सीएसआर पॉलिसी को भी मॉनिटर करना कि हमारी कंपनी में पॉलिसी ढंग से लगती भी है कि नहीं लगती है। आप बता दो कितना क्लियर है आपको? पूरा सर। अच्छे से सिर के ऊपर से तो नहीं गया? नहीं सर। क्लियर है, आज ही कैच पढ़ देना बेटा इसको। अब इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि सीएसआर जब आप बात करते हो तो पैसा लगाओगे कहाँ पे, तो ये है तुम्हारा स्केड्यूल 7, लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ आप पैसा लगा सकते हो। ठीक, शुरू करें क्या? लिस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहला तो आप अगर खर्चा करना चाहो तो आप हंगर, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में पैसा लगा सकते हो, हेल्थ केयर को प्रमोट करने में लगा सकते हो। तो इसमें अगर आप स्वच्छ भारत कोष में पैसा डालते हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, जो देश में शौचालय बनवाने का काम या सैनिटेशन को प्रमोट करता है और ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट करता है, तो आप जो है सीएसआर की एक्टिविटी में आ जाओगे। आप बताओ कितना समझ आई बात? पूरा सर। दूसरा, आप अगर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, खासकर स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, या फिर आप वोकेशनल स्किल दे रहे हो बच्चों को, वुमेन्स को, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हो, तो ये भी सीएसआर में, कोई दिक्कत? नो सर। आप जेंडर इक्वेलिटी के लिए काम करते हो, जैसे आप क्या करते हो, वुमेन हॉस्टल्स बनाने का काम करते हो, ऑर्फेन बनाते हो, ओल्ड एज होम बनाते हो, डे केयर सेंटर बनाते हो, सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हो, तो भी क्या माना जाता है कि आप सीएसआर कर रहे हो। ये सारी चीजें हैं जहां पे पैसा लगाओगे तो सीएसआर में एलिजिबल माने जाओगे। समझ आ रही बात? देन आप एनवायरमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन जो है वो गंगा सफाई फंड में किया है, ठीक है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में किया है, तो ये भी सीएसआर में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आपने नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा दिया, जैसे ताजमहल के मेंटेनेंस के लिए आप कुछ पैसा देना चाह रहे हो, डोनेट करना चाह रहे हो, तो भी इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, उसके अगर आर्म फोर्सेस वालों को अगर पैसा दे रहे हो, वेटरन्स को, वेटरन्स मतलब जो रिटायर हो गए हैं, या वॉर विडोज जो है, जो विधवा हो गई है, महिलाएं जब शहीद हो गए जो सैनिक, उनकी जो वाइफ, उनको अगर पैसा दे रहे हो तो भी सीएसआर में आता है। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर बस अभी अपडेट में लिख दे रहा हूँ जो आईसीएसआई ने किया है और एग्जाम में अब क्या आएगा, इसे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान को भी दे दिया गया। पहले क्यों नहीं थे तो? क्या चीज? पहले इसमें सिर्फ क्या आर्म फोर्सेस लिखा रहता था, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान है या फिर पुलिस फोर्सेस के हैं, वो भी अगर शहीद हुए, अगर उनको भी कंपनी पैसा दे रही है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया कि गया सिर के ऊपर? समझ आ गया सर। अच्छा, उसके बाद ना रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, रूरल स्पोर्ट्स मतलब गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए, कोई नेशनल स्पोर्ट्स को आप बढ़ावा दे रहे हो, पैरा ओलंपिक मतलब होता है जो डिफरेंटली एबल्ड लोग का होता है ना, जैसे जिनके वो नहीं, हाथ पैर नहीं होते हैं, उनका जो ओलंपिक या खेल समारोह होता है उसमें पैसा दे रहे हो तो चल जाता है। आप बताओ कितना समझ आई बात? आपको समझ आ रही है? अब आप समझ लो, इसमें से कोई भी एक उठाएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ यहाँ पैसा लगा रहे हो सीएसआर है कि नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना। देन अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर एनी अदर फंड को भी अपडेट कर दिया, मैं आपको ना दिसंबर के हिसाब से अपडेट्स भी बताते जा रहा हूँ कि अपडेट कर दिया है कि अगर आप पीएम केयर फंड में भी पैसा डाल रहे हो तो वो भी सीएसआर में आएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। गया सिर के ऊपर से कि समझ आया? समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रेशर्स को पैसा दे रहे हो, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर बन रहे हो, मतलब ये है कि किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्च वर्क के लिए पैसा दे रहे हो, इसमें भी अपडेट आ गया बेटा। इसमें जो अपडेट आया है वो आया है कोविड रिसर्च के लिए अगर आप पैसा देते हो, कोविड की वैक्सीन बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है,
आप कोविड रिसर्च के लिए भी पैसा देते हो तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा भी। समझ आ रही है बात? तो देखो तीन अपडेट जोड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्स वाला, पीएम केयर फंड वाला, कोविड रिसर्च वाला। तो अगर ये अपडेट है तो एग्जाम में आने का 100% चांस है। आ रही है बात समझ में? जी सर। ठीक, आगे सुनो। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, स्लम एरिया को डेवलप करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ पैसा देते हो तो ये सारे जो होते हैं वो सीएसआर के काम में आते हैं। ईमानदारी से बताओ, समझ आया कि नहीं? आ गया सर। अब आपको जो इसमें पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप सीएसआर एक्टिविटी करोगे तो लोकल एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। कभी भी आपकी फैक्ट्री जहां या आपकी कंपनी जाए उस एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देना। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपका सीएसआर मेनली कहां होना चाहिए? छत्तीसगढ़। कितनी समझ में आई मेरी बात? पूरा सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इस हिस्से से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते तो हर जगह से हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनको सीएसआर में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कंपनी ने मान लो कोई वन डे का इवेंट किया, जैसे कोई मैराथन किया या कोई अवार्ड फंक्शन किया है या चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किया है या टीवी प्रोग्राम दिया है, तो ये सीएसआर के एक्सपेंडिचर में नहीं आता। जैसे एयरटेल वाले बीच बीच में देखना हाफ डे मैराथन करवाते हैं तो उसमें भी तो खर्चा बैठता ही है ना। देखे हो क्या कभी? वो मुंबई में दौड़ते रहते हैं, मिलिंद सोमन अक्सर जीत जाता है। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ। तो भाई उसमें वीडियो देखा था, लेकिन उसमें क्या होता है, सीएसआर आप नहीं बोल सकते, वो सीएसआर नहीं है, वो कंपनी का एक तरह का प्रमोशन है। दूसरा, अगर आपने चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन भी तो क्या होता है ना, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि मान लो सेलिब्रिटी को बुला दिए एक दिन इनके अनाथ के नाम, या ऐसा ऐसा करते रहते ना प्रोग्राम, एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम, तो वो कंपनी गुडविल बढ़ाने के लिए करती है, उसको सीएसआर का पार्ट नहीं मानते हम। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, वन डे ऑफ इवेंट, एक दिन का इवेंट है ये। सीएसआर तो लंबा चलता है ना भाई, खर्चा करना है तो अच्छे से ही करना पड़ेगा पूरा। क्लियर है? वैसे ही अगर आपने कोई खर्चा लेबर लॉ में किया हुआ है, ठीक है, मतलब वर्कर्स के पीछे किया हुआ है, तो सीएसआर में नहीं आता भाई। वर्कर तो आपकी जिम्मेदारी है, वर्कर के लिए तो आप सब कुछ करोगे। सही बात है गदर? हाँ। कितना समझ आया चैप्टर अभी तक? पूरा सर। टफ है? टफ है क्या चैप्टर? नो सर। अब आप सीएसआर में खर्चा निकलेगा कहां से, तो आपको मैंने बता दिया प्रॉफिट का कितना परसेंट? 2% 2% है ना, तो एट लीस्ट है, मतलब मिनिमम है। आप ज्यादा करना चाहो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग, ये 3 दिखा है ना, इसको काट दो, मेड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। ये अपडेट है आपकी, याद रखना। पहले क्या था, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट को देखते थे, अब बस ये कर दिया है कि पिछले साल के प्रॉफिट का 2%। ठीक है, पिछले साल आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसका 2% एटलीस्ट निकालना है सीएसआर के खर्चे के लिए। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप खर्चा नहीं कर पाए जितना पैसा निकाले थे, तो बोर्ड को रीजन बताना पड़ेगा कि हमने सीएसआर में खर्चा क्यों नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीएसआर के लिए खर्चा निकाला था कि 3 करोड़ खर्च करोगे, लेकिन आपका खर्चा सिर्फ 2 करोड़ हुआ, 1 करोड़ अमाउंट लेफ्ट हो गया, बच गया है, नहीं खर्चा कर पाए। समाज सेवा करने भी गए तो 1 करोड़ रुपए बच गया, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं खर्चा कर पाए 1 करोड़। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट चीज, जब भी आप खर्चा करोगे लोकल एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, इसमें कोई दिक्कत? सर? नो सर। हाँ बेटा। वो तो 1 करोड़ बचा था, अब हम लोग सीएसआर करते तो कोई रिसीटन और तो लेते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा? इससे तो कमेटी बनाई गई ना, बोर्ड, एक पूरी सीएसआर की रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें लिस्ट बनाई जाती है किस फील्ड में कितना खर्चा करे। अभी वो रिपोर्ट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं रिपोर्ट बनाना आपको बता रहा हूँ कैसे बनाई जाती है सीएसआर रिपोर्ट। ओके। है ना, आप जब भी खर्चा करोगे लोकल एरिया को मेन प्रेफरेंस दोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं। नहीं, ऊपर जो भी स्केड्यूल 7 में दिया गया है, जो भी खर्चा करना है भारत के अंदर ही करना है, फॉरेन में जाके नहीं करना है। पता लगा फॉरेन के अनाथ बच्चों के पीछे खर्चा कर रहे हो, फॉरेन के मिलिट्री पर्सनल के पीछे खर्चा कर रहे हो, तो मानेंगे क्या? नो सर। भाई वो इंडिया में होना चाहिए। देन कभी भी याद रखो, जो भी खर्चा सीएसआर में होगा, ठीक है, वो खर्चा आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अलग होगा। मतलब आपके बिजनेस एक्टिविटीज अलग है, सीएसआर का खर्चा अलग है।
आप बताओ कोई दिक्कत? आप बिजनेस चलाओ, आप लेंडिंग करो, बोरोइंग करो, जो करना है करो, सीएसआर का अगर पैसा आपने निकाल दिया तो उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश करके रखो और उसको अलग से ही खर्चा करना है, बोलो कितना क्लियर है? नेक्स्ट हाँ थिंग, ये सारे प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ पैसा बच गया आपका सीएसआर में तो आपका प्रॉफिट नहीं है, उसको अगले साल फिर से लगाना पड़ेगा, बोलो ठीक है, समझ आया? हाँ सर। अब लास्ट वाले से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वाले से आता है, सपोज करो एक फॉरेन की कंपनी है, नाम है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी बनी है यूएस में, अब इसकी एक सब्सिडरी है इंडिया में, ठीक है, डीईएफ लिमिटेड नाम से। अब डीईएफ लिमिटेड तो सीएसआर के क्राइटेरिया में नहीं आती है, पर ये फॉरेन कंपनी आ जा रही है, तो ये क्या करती है, डीईएफ लिमिटेड को पैसा देती है कि तुम इंडिया में सीएसआर का खर्चा करो, तो सीएसआर का खर्चा करेगी कि नहीं करेगी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में, ये बताओ भाई। जो इंडिया की कंपनी थी ये सीएसआर में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी फॉरेन कंपनी बहुत ज्यादा कमाती है और जबरदस्त नेटवर्थ है, तो वो सीएसआर का पैसा इंडिया में भेजना चाहती है, तो भेज पाएगी कि नहीं भेज पाएगी? भेज पाएगी सर, भेज पाएगी सर। तो कोई ये प्रोविजन समझ आए कि नहीं आए, ईमानदारी से बोलो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अच्छा, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसका शॉर्ट नोट आता है डिफाइन नेट प्रॉफिट, तो सेक्शन 198 जो होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके हिसाब से जो पीएनएल अकाउंट आप बनाते हो और उसमें जो आपका प्रॉफिट आता है उसे ही नेट प्रॉफिट बोला जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 198 में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जो प्रॉफिट आप शो करते हैं वही नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो इंडियन कंपनियों के लिए तो क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% जो होगा उनको क्या करना है, क्या करना है, सीएसआर में लगाना है। बताओ कोई दिक्कत? फॉरेन कंपनियों को भी लगाना है क्या? हाँ, तब जब उनका प्रोजेक्ट ऑफिस या कोई ब्रांच इंडिया में सिचुएटेड हो तो उस ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाएगा और उस हिसाब से फिर ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडियन कंपनी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% देना है, पर फॉरेन कंपनी को कब देना है, जब उनकी ब्रांच या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में सेट हो। आई मेरी बात समझ में? जी सर। कितना क्लियर हुई? पूरा अच्छे से, क्या आधा अधूरा? अच्छे से सर। अब इसका सीएसआर का फॉर्मेट देख लो, कैसे फॉर्मेट होता है। आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे सर कैसे पता लगेगा कहाँ खर्चा करना है, तो ये फॉर्मेट देखो कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो आपको शेयर होल्डर के सामने ये फॉर्मेट रखना होगा। तो देखो, मेजर कंटेंट सबसे पहला आपको अपने सीएसआर पॉलिसी की आउटलाइन बतानी पड़ेगी कि आपके यहाँ सीएसआर में काम क्या क्या होता है। दूसरा, एक बार बैकग्राउंड म्यूट करो बेटा, बैकग्राउंड म्यूट करो। दूसरा, आपको यह बताना होगा कि सीएसआर कमिटी में आपके यहाँ कौन कौन है। तीसरा, आपके यहाँ नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, ये 3 को काट दो पिछले साल। चौथा, कहाँ खर्चा करना चाह रहे हो। पांचवा, कितना खर्चा करें बताना होगा, कितना टोटल अमाउंट था उसमें से कितना खर्चा हुआ, कितना बच गया। तो इसको अगर आपको टेबल के फॉर्म में बनाना है तो देखो सीरियल नंबर डाल दो किन किन एरियाज में करोगे। कॉलम नंबर 2 देखो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ, एक मैं रूरल एरिया में लगा रहा हूँ, एक आर्मी के लिए लगा रहा हूँ और एक पीएम केयर फंड के लिए लगा रहा हूँ। ठीक, अब उसमें से आप सेक्टर बताओ किस किस सेक्टर में लग रहा है। ठीक, प्रोजेक्ट का आपके नाम क्या है, आउटले कितना है, आउटले का मतलब टोटल कितना अमाउंट निकाले हो, कितना खर्चा करोगे। ठीक है, खुद से क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर मतलब पिछले साल का भी कोई अमाउंट तो नहीं बच के आया है, और आखिरी में खुद कर रहे हो कि एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो। एजेंसी के थ्रू मतलब कंपनी क्या करी, पैसा दे दी किसी एनजीओ को कि तुम हमारे भी आपने सीएसआर का काम करो। तो ऐसा फॉर्मेट बनता है। आपको फॉर्मेट समझ आया कि नहीं, पहले तो ये बता दो मेरे को ईमानदारी से। आ गया सर। देख लो सब लोग फॉर्मेट, एग्जाम में बनाने पूछ देता है फॉर्मेट, भूलना मत। क्या क्या है इसमें, पहले बताना है कि आपका सीएसआर प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट किस सेक्टर में आता है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, खर्चा कितना है, आपने कितना खर्चा कर दिया है, टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर बताना है। क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा, तो जैसे अमाउंट स्पेंट में 2 करोड़ दिखा, यहाँ 3 करोड़ दिखा, यहाँ 4 करोड़ दिखा,
तो क्यूमुलेशन कैसे होगा, 2 करोड़, 2 और 3, 5 करोड़, 5 और 4, 9 करोड़। समझ रहे क्यूमुलेशन? यस सर। अब आप किसके थ्रू कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, खुद से की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू, मतलब एनजीओ के थ्रू कर रहे हो, ये भी आपको बताना होता है। ठीक है, आप जब ये बता दोगे तो नीचे छठवां पॉइंट आप बनाओगे कि अगर पैसा खर्चा नहीं कर पाए तो क्या कारण था कि पैसा खर्चा नहीं हो पाया, नहीं हुआ। और लास्ट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डालनी होती है सीएसआर कमिटी को, जिसमें डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने सीएसआर पॉलिसी को एकदम प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है, मतलब हमारी कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, और बराबर नीचे कंपनी का एमडी या मैनेजर या सीईओ साइन कर देता है। आप बताओ, मन में जीवन में कोई समस्या? नो सर। अब ये ऊपर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये सेम एज रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो बातें दिखनी होती है वही आपको डिस्क्लोज करनी होती है, यही सारी चीजें है जो नीचे है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है रिपोर्ट में लिखोगे क्या क्या, तो यहाँ पैसे पैराग्राफ बना के दे दिया है और वही चीज फॉर्मेट में दे दिया, तो अगर हम फॉर्मेट पढ़ दिए तो डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आया तो फॉर्मेट की ही चीजें हमको लिखनी है। आप बताओ कितना समझ आई आपको मेरी बात? पूरा सर। क्या दिया दूरी? अच्छे से सर। अच्छा, शॉर्ट नोट आप ट्रस्ट का, सोसाइटी का, सेक्शन 8 कंपनी का एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना। ठीक है, ये तीनों का शॉर्ट नोट, ट्रस्ट का, सोसाइटी का, सेक्शन 8 कंपनी का पढ़ के देखना, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना। समझ आ रही है मेरी बात? बाकी ये था चैप्टर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, अब एक मिनट रुको, आप जो जो पढ़े हो एक बार चेक करते हैं आपसे बनेगा कितना। ठीक है, भाई आई सी एस आई क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, ये गए क्वेश्चन पेपर में। अब बताओ कौन से साल का देखे अपन, पिछला एग्जाम कब हुआ था? 2019 दिसंबर में। दिसंबर तो कंपनी लॉ का पेपर निकालते हैं, इसका क्या आया था। अब इसमें देखो तो आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, अभी जितना आप पढ़ लिए हो, चलो इसमें से कौन कौन सा बन जाएगा। पहला बन जाएगा क्या, ये देखो कॉपरेटिव का बन जाएगा। बोलो 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 गुंजा श्रुति, तुम लोग से अभी नहीं पूछ रहा हूं बेटा मैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेटिव लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेटिव जो है उसको लेकर कंपनीज एक्ट 2013 कुछ नहीं बोलता, सिर्फ जुडिशियल लिफ्टिंग होती है। सही बात है, गलत बात है? हाँ, सही बात है सर। दिखना है ना भाई इसमें हमको। अच्छा, ये बी तो अभी पढ़े नहीं है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तीसरा, अनरजिस्टर्ड चार्ज शैल बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर, क्या लिखना है इसमें अपने को बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो। रॉन्ग है। अरे लिखना है कमेंट, क्या करना है इसमें अपने को, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बताना है। राइट रॉन्ग नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, कमेंट करने बोल रहा है 5 नंबर के लिए। आपको जो टॉपिक है वो पूरा समझाना पड़ेगा, अगर चार रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होता है, आपको ध्यान है क्या, पढ़े ही नहीं हो? ध्यान नहीं आ रहा सर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंबर्स जो होते हैं अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं पब्लिक इशू में, ध्यान आ रहा है कैसे कुछ पढ़े? हाँ सर। अच्छा, ये 2 का ए पढ़ो, बनेगा कि नहीं बनेगा। बारह % इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे पर रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रहे, सही कर रहे गलत कर रहे? गलत। अभी भी आपको ध्यान रखना है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक, कंपनी अनलिस्टेड है इसने अदर देन कैश शेयर ऑफर करे है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कहाँ जाता है इसका ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में दिखता है कि नहीं दिखता, पढ़े नहीं पढ़े? हाँ सर। आप एक काम करो, अपना शेयर एंड शेयर कैपिटल थोड़ा सा थरोली पढ़ दो तो भी है ना,
और उसका लेक्चर भी देख देना, आपको जितने क्वेश्चन है सारे मैंने कराए हुए क्लास में। डिस्क्वालिफिकेशन और डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर चैप्टर है, पढ़े नहीं पढ़े? यस सर पढ़े सर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पढ़े कि नहीं पढ़े? यस पढ़े पढ़े। ये तीसरा पढ़ो, IOL एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे हैं, इनको DRR कितना क्रिएट करना है, कितना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, बताओ। बोलो बोलो बोलो। 50%। हाँ हाँ 25% करना होता है, जाके पढ़ना उसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, ये स्वेट इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? रसेल को FD बनाया, उसको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। आप एक काम करो, पहले ना पढ़ लो, ठीक है। कब तक मेरे को कंप्लीट करके दे दोगे ये बताओ, जो मैं पिछला पढ़ाया हूं। आप सबके ऐसा बुक्स है, आप कब तक करके दे दोगे ये बताओ। बोलो सर क्या क्या पढ़ना है? अरे भाई पिछला जितना भी है कितना पढ़ाया हूँ, एक बार उसको पढ़ दे, ठीक है सर। सर दो दिन तक अपडेट करके दे दोगे मेरे को? शेयर कैपिटल, डेप्ट कैपिटल, चार्जेस, आपका अपडेट चाहिए। आप कब तक खत्म करके दोगे ये बताओ। लाची कब तक हो जाएगा? तीन दिन सर। दो दिन आप दो दिन का टारगेट दो। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, आज से आप उठाओ किताब पूरा खत्म करो, तो आपको हर एक चीज क्वेश्चन पेपर में वो मिल रही है जो मैंने कराया है आपको, ठीक है। तो आपकी तरफ से अब कमी नहीं रहनी चाहिए। दो दिन बाद फिर से क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, और अब मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, तो अपने नोट्स का मार्क करके पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो, है ना जी सर। आज क्या दिन है? ट्यूसडे। मैं आपसे फिर थर्सडे को इस चीज पे बात करूंगा। अभी थोड़ा ब्लैंक लग रहे हो, मतलब अभी जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ रहे हो, पीछे आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, है ना। तो आप सह सम्मान एक बार पढ़ लो भी है। आज आप दो चाप शेयर कैपिटल पूरा खत्म करो आज के दिन, अब पढ़ ही देना सभी लोग, है ना। यस सर ठीक है बेटा, कल नया चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, ये करवा।